इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र में नेमावर रोड पर 8 मील पहाड़ी बस्ती के सामने इंदौर से नेमावर की ओर जा रहे कार के संतुलन बिगड़ते ही कार किनारे बैठे युवक को जोरदार टक्कर मारते हुए खाई नुमा गड्ढे में जा घुसी, जहां पर एक युवक इस हादसे में घायल हो गया। घटना शुक्रवार करीब 10 से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है, जहां इंदौर से नेमावर की ओर अंध गति से दौड़ती कार का संतुलन बिगड़ जाता है और जहां पर रॉन्ग साइड में कार सड़क किनारे बैठे युवक को टक्कर मारती हुई खाई नुमा गड्ढे में जा घुसी, जहां मौके पर मौजूद खुड़ेल क्षेत्र के बोका खेड़ी के रहने वाले गोविंद ने बताया है कि उनका ट्रैक्टर पंचर हो गया था। जहां बोका खेड़ी का रहने वाला उनका साथी दिनेश सड़क किनारे बैठा था, अचानक तेज रफ्तार से आई कार ने उन्हें टक्कर मारी और खाई में जा गिरी, जहां दिनेश के सिर में चोट आई है और वही कार चालक के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं लगी है। हादसा ये 10 का बीच में सुबह 10 बजे के बीच। हाँ, क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? हमारा ट्रैक्टर 9:30 बजे यहाँ पंचर हुए हो। हाँ, हमने ट्रैक्टर टायर खोल लिया, हम गया था माज गए और हमारा जो ट्रैक्टर साथ में जो ये गाड़ी कार जो आ रही थी किधर से आ रही थी? इंदौर से। ये इधर से इंदौर तरफ, इंदौर से नेमावर तरफ जा रही थी। हाँ, तो क्या हुआ, बैलेंस बिगड़ा इसका? हाँ, इसका बैलेंस बिगड़ा, ट्रैक्टर का बैलेंस थोड़ी बिगड़ो, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ी हुई हो कार वाले। हाँ, तो हमारा बंदा यहाँ बैठा था ट्रैक्टर से दूर। हाँ, तो उन्हें कही करो फेंको और गाड़ी अंदर चली गई। तो कार चालक चोट लगी? नहीं, या तो नहीं मालूम हमारे। और आपके भैया क्या नाम इनका जिनको? हाँ, उनके लगी है चोट। क्या नाम इनका? उनका नारायण दिनेश। कहाँ रहते हैं दिनेश जी? बोका खेड़ी। तो कहाँ लगी उनको? सिर में। सिर में कहाँ ले, कौन सा अस्पताल लेगा उनको? तो अभी तो घर पहुँचा दिया उनको, काका का लगा था कि मतलब चोट आई, ज्यादा चोट नहीं, ज्यादा नहीं लगी। आपका क्या नाम? गोविंद दुबे। कहाँ रहते हैं आप? बोका खेड़ी। कहाँ है ये बोका खेड़ी? मतलब वही पे गांव पे, बोका खेड़ी खुड़ेल के पास। खुड़ेल के पास। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।